कल बेहतर किससे बनाया गया सामने आपकी आइडिया आवे है आज जन्नत दो से निकाह हुआ आज भी रात के तारीख में लगे को वलियों का फैसला कर दिए और उसके बगल में ईरान की सजा दी सर। अस्सलाम वालेकुम, आज जो है हम जा रहे हैं सीस अलैहिस्सलाम के मज़ार पे और आए हुए हैं अयोध्या, तो चलते हैं हम जो है सीस अलैहिस्सलाम के मज़ार पे, वहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं आपको। और आपको किसी को आना है तो अयोध्या में पड़ेगा और एक कुतवाली जो है कुतवाली के जस्ट बगल में रास्ता गया हुआ वही रास्ता जो है सीधा जाता है, तो आपको रास्ता दिखा दे रहा हूँ। कुतवाली से जस्ट सट के रोड गया है सीस अलैहिस्सलाम के मज़ार पे, तो आपको जो है मैं दिखाता हूँ किस तरीके से रास्ता है। पतली गली है अंदर, कुतवाली के जस्ट बगल से जाता है, तो आप लोग ध्यान रखें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको दीन इस्लामी टूरिस्ट हर जो है मैं डालता रहूँगा वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आपको रोड दिखा देता हूँ और सीस अलैहिस्सलाम के मज़ार पे पहुँच के मैं आपको जो है पूरा नज़ारा दिखाता हूँ कैसा है। अब मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, उनका बुलावा था तब मैं आज जा रहा हूँ, काफ़ी दूर से मैं आया हूँ और ये मेरा दोस्त है, हम दो लोग बाइक से जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग बाइक से जा रहे हैं। हमारा बुलावा आ गया तो हमें जा रहा हूँ, बुलाया नहीं आता तो मैं नहीं जा सकता, फिर मैं भी कोशिश करता हूँ। चलिए फिर दिखाते हैं आप, ये देख सकते हैं रोड ये है, पतला गली गया है अंदर और हम ये गली से आ चुके हैं। देखिए अयोध्या में हैं हम, तो चलते हैं। रास्ता है मज़ार मुबारक से जाने का, जो हज़रत अलैहिस्सलाम के पैगंबर हैं अल्लाह के। यही रास्ता है, हम लोग जा रहे हैं दरगाह से, सरकार का बुलावा है और सरकार के रोज़े मुबारक का हम लोग ज़ियारत करने निकले हैं। बंद कर देख सकते हैं, जस्ट में अयोध्या स्टेशन है, आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं ज़ूम करता हूँ, तो ये रहा अयोध्या स्टेशन, जस्ट रोड गया है। नज़ारे मुबारक अयोध्या में, तो देख सकते हैं आप लोग ये सीस अलैहिस्सलाम का है। देखिए तो हम लोग एंट्री मारते हैं, चलते हैं अंदर, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं।
तो हज़रत सीस अलैहिस्सलाम ये हमारे पैगंबर थे जो अयोध्या में हैं, हमारे पैगंबर हैं सीस अलैहिस्सलाम। चलते हैं हम अंदर और देखते हैं कोई खादिम है तो जो है उनसे पूछते हैं उनकी करामत क्या है कैसे जो भी। तो अंदर आ गए हम और ये रहा जिसका इंतज़ार था, ये है मजार शरीफ हमारे सीस अलैहिस्सलाम पैगंबर का मजार शरीफ है जो पड़ता है अयोध्या में। और ये आपको दिख रहा है यही है सीस अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ। तो हमारे खादिम बैठे हुए हैं ये, तो इनसे ज़रा कुछ पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जो है सीस अलैहिस्सलाम के बारे में जी। हमारे पैगंबर हैं। आपकी लंबाई पाएगी 120 फीट की। हाँ, कल बेतार किस्से बनाया गया। हाँ। सामने आपकी एहलिया आबे है, जन्नत दो से निकाह हुआ, आज भी रात के तारीख में लगा कर वलियों को फैसला कर दिए। और उसके बगल में ईरान की सजादी सरकार हेरे की, वो भी आ रहा है बाकी यहाँ से लेकर वहाँ तक लश्कर बताया जाता है। अच्छा। गेट पे आपके खलीफा हैं, आपकी उम्र 912 साल, आपका नाम हुमैरा चला आ रहा है। 912 साल जो है यहाँ पे। हाँ, आपकी उम्र 912 साल। अच्छा। आपका नाम हुमैरा है, आपका नाम सजरा जायदा है। अच्छा। यहाँ तो ना कोई बाहर की आमदनी ना कोई सरकारी काउन यही जारी सखरा जाता है, खत होता है। तो आप लोग नबी के बारगाह में शरफ हासिल की, आप लोग जो कुछ उतरे यहाँ के लिए काउन करते रहे। अच्छा जी। तो हिंदुस्तान के अंदर नबी का बारगाह कहीं नहीं पाएगा जो जम पाया गया। हाँ, और यहाँ पे मखदूम अशरफ और अच्छे अच्छे वली आके यहाँ पे शरफ अपना हासिल करते हैं और यहाँ से फैज अदा करते हैं कि आप उनको फैज मिला। हाँ। और वो आज भी खुशहाल हैं। तो हमारे मखदूम अशरफ सिंह नानी जो है अकबरपुर में है, बछखारी में। बछखारी में वो भी यहाँ आके 40 दिन छिल्ला करके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे। हाँ। अच्छा। और सामने एलिया है वो आपके जो है। अच्छा, मतलब उस साइड में। हाँ, तो आपको दिखाते सामने हैं। और वहाँ पे वो आज भी बैठ के इलाके का वलियों का फैसला करती हैं। अच्छा अच्छा, इनकी अहल्या जो है। हाँ, सामने चले जाएँ वहाँ। हाँ चलिए ठीक है, वहाँ का जो है आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो हमारे एक खादिम जो है आपको बताए हैं, तो चलिए वहाँ अहल्या का जो है दिखाते हैं आप। ये हम आ चुके हैं बाहर और ये रहा जो है मजार शरीफ। चलते हैं वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। और ये है तो ये रहा, देख सकते हैं। चलिए वहाँ का जो भी है आपको बताते हैं। तो हमारे जो है हिंद में यानी काफ़ी जो है मजार शरीफ और काफ़ी पैगंबर वली हमारे, ये देखो हम आ चुके हैं कि बीबी अहल्या के। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी ये रहे इलाके का वलियों को फैसला करती है, ये इलाके के वलियों जो हैं उनको फैसला करती हैं इनकी जो है बीबी जी। अच्छा, और इंशाल्लाह आप भी फिर जिंदगी बात करते हैं, आपका ही फैसला होगा। यहाँ आज भी रात के तारीख में मजलिस होती है, वलियों सब इकट्ठा होते हैं, फैसला होता है, सब बातचीत होती है आपस में। काफ़ी जानकारी दी हैं आप जो है यहाँ मजार शरीफ के। और हम लोग कितना खुश नसीब हैं जो हम लोग हिंद में हैं, मतलब हिंदुस्तान में हैं। तो यानी हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कहा जाए तो, यानी कहने का जो है क्या कहें, इतना दिल में खुशी हो रही है। हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे पैगंबर और नबी कितने हैं यहाँ पे, बहुत हैं। तो आज मैं आ चुका हूँ, उनका बुलावा आया तो मैं आया हूँ यहाँ वीडियो शूट करने के लिए। यानी अब दिल में इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी कि मैं जो है इसको बयां नहीं कर सकता हूँ। तो आज मैंने आया सीस अलैहिस्सलाम पैगंबर और बारगाह में आया जो और सर्व हासिल किया, और करम था उनका जो आया। और बहुत खुशी की बात है जो हमारे हिंदुस्तान में है, और मेरे पास में मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन मैं आज आया मुझे मालूम चला। तो आज मैंने आया और बारगाह में दुआ मांगा। तो ये सब अयोध्या में पड़ रहा है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अयोध्या में आके जो है ज़ियारत करके जाए। हमारे कादिम साहब ये जो हमारी पूरी बात बताएं कैसे क्या है। चलिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं जो भी है, देख सकते हैं।
ये जो है ईरान की शहजादी। अच्छा, ये ईरान की शहजादी, ईरान की शहजादी सरकार की खिदमत में आई, यही रही वो भी आले रसूल से बताए जाते हैं। ये आपका नाम सैयदा जायदा? सैयदा जायदा, ये जो है खिदमत में आए थे कहाँ? यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी जो है जंगल है, और ये बहुत जंगल में जो है आके है हमारे पैगंबर। और मेरा जो है नेक्स्ट वीडियो है वो जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हमारे नेक्स्ट वीडियो में उनका वीडियो बना के रखा हूँ मैं, तो वो भी वीडियो जाके देखना, इसी में है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तो वहाँ भी गए थे और वहाँ की भी वीडियो शूट किए हैं। तो आप लोग जो है वीडियो देखना और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे इंशाल्लाह जो है हम हर मजार शरीफ की जो है वीडियो लेके आएंगे रिकॉर्डिंग, और आप लोग देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करना, और जिस जगह की आपको वीडियो की ज़रूरत है उस जहाँ का चाहिए बताइए, कमेंट करिए और मैं उस जगह का वीडियो डालूँगा। मैं वहाँ जाके आप लोग कहेंगे कमेंट में बताएंगे तो वहाँ का वीडियो मैं जाके जो है शूट करके वो डालूँगा, आप लोग को जो है बताऊँगा जितना भी। पैगंबर जो है बहुत खुशी की बात, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पैगंबर यहाँ पर हैं। तो जो भी हम लोग को दुआ मांगना है, जो भी हमको कहना है, हम आके यहाँ कह सकते हैं, हमको हमारे यहाँ पैगंबर हैं, मैं यहाँ आके जो है इनको अर्जी लगा सकता हूँ अपने बारे में। तो आइए आप लोग, जिसको भी कोई परेशानियाँ हैं, पैगंबर हैं, सब हमारे यहाँ पे हैं, ये जान लो अब हर दुआ कबूल होगी आप वसीला देखें तो देखें एक बार। तो आइए चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह आपको, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिस जगह का आपको वीडियो चाहिए वो बताइए, मैं उस जगह का वीडियो बना के जो है डालूँगा। तो आप कमेंट में बताइए आप नेक्स्ट वीडियो कहाँ का चाहिए, किस मजार का चाहिए, कहाँ का चाहिए, और इंशाल्लाह चलेंगे मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे, इंशाल्लाह जाएंगे तो वहाँ का भी वीडियो डालेंगे, और इंशाल्लाह अगर बुलावा आ गया तो कलियर शरीफ भी जाएंगे, वहाँ का जो है वीडियो डालेंगे। तो आप कमेंट में बताइए किस जगह का सबसे पहले वीडियो में डालूँ। तो चलिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम।